हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की, जिसमें कि कहा गया है कि पाठ्यक्रमों की बहुलता वांछनीय है। CBSE ने स्कूलों में समान पाठ्यक्रम के लिए जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट को बताया। CBSE ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मुख्य तत्व के अलावा पाठ्यक्रम और संशोधनों की बहुलता वांछनीय है, क्योंकि पूरे देश में एक समान बोर्ड और पाठ्यक्रम स्थानीय संस्कृति, संदर्भ और भाषा को ध्यान में नहीं रखता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सभी स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की मांग करने वाली वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका के जवाब में यह बात कही है। मामले में दायर एक जवाबी हलफनामे में CBSE ने याचिका को खारिज करने की मांग की और कहा कि एक राष्ट्रीय जांच चाहे जो स्थानीय संशोधनों लोकाचार पर जोर देने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, ताकि एक बच्चा पाठ्यक्रम शिक्षा से बेहतर ढंग से जुड़ सके। जवाब में कहा गया है कि शिक्षा संविधान की संवर्ती सूची में है, इसलिए संबंधित राज्य सरकार को अपने स्कूलों में के पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तैयार करना और परीक्षा आयोजित करना है। भारतवर्ष में यूनिफॉर्म बोर्ड पाठ्यक्रम स्थानीय संदर्भ, संस्कृति और भाषा को ध्यान में नहीं रखता है। स्थानीय संशोधनों, संस्कृति और लोकाचार पर जोर देने के लिए लचीलेपन के साथ एक राष्ट्रीय ढांचा है। जवाबी हलफनामे में कहा गया कि एक बच्चा ऐसे पाठ्यक्रम से बेहतर ढंग से जुड़ सकता है जो स्कूल के बाहर उसके जीवन से अधिक निकटता से जुड़ा हो, इसलिए मुख्य सामान्य तत्व के अलावा पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक संस्थाओं की बहुलता वांछनीय है। जवाब में CBSE ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आदेश के अनुसार NCERT द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा सभी स्कूल पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पुस्तकों के विकास के लिए दिशा निर्धारित करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राज्य शिक्षा बोर्ड या तो NCERT के मॉडल पाठ्यक्रम या पुस्तकों को अपनाते हैं या अपनाते हैं ढांचे के आधार पर अपने स्वयं के पाठ्यक्रम पुस्तकें विकसित करते हैं। प्रतिक्रिया में कहा गया कि NCERT स्कूली शिक्षा के लिए मॉडल पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम पुस्तकें तैयार करता है जो संबंधित सूची में है, इसलिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को NCERT पाठ्य पुस्तकों को अपनाने और अनुकूलित करने की स्वतंत्रता है। प्रतिक्रिया में जो है कहा गया कि CBSE NCERT के पाठ्यक्रम अपनाता है, उसमें समृद्ध स्कूलों के लिए NCERT पाठ्यक्रम पुस्तक निर्धारित करता है। उत्तर में आगे कहा गया कि NEP के अनुसार स्कूली शिक्षा के एक नए और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचे या NCFC 2020-21 का निर्माण नीति और फ्रंट लाइन पाठ्यक्रम आवश्यकताओं के सिद्धांतों के आधार पर NCERT द्वारा किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों की साथ चर्चा की जाएगी। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे कहा गया कि फ्रंट लाइन पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 5 से 10 साल में एक बार इसका परीक्षण और किया जाएगा, जो NCERT राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करता है। यह समावेशी शिक्षा लिंग संबंधी चिंताओं, मूल शिक्षा और जैसी मुख्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में स्कूली विषयों पर मॉडल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें भी विकसित करता है। और यह भी कहा गया कि यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता की वर्तमान याचिका को खारिज करने की कृपा करेगा, क्योंकि यह न्याय के हित में योग्यता से रहित है। याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड द्वारा अलग अलग पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और 21A के विपरीत है, और शिक्षा का अधिकार जो है समान शिक्षा के अधिकार का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या सभी प्रवेश परीक्षाओं जैसे JEE, BITSET,
NEET, MAT, NET, इन सब में क्या है, एक सामान्य होनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि लेकिन